हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं भौतिक मात्रक एवं विमाएं। इसका पार्ट वन ऑलरेडी हो चुका है, आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं, ये बुक रुकमिनी भौतिकी विज्ञान, यहाँ पे दिखा गया 9000+ क्वेश्चन चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इसका रिविजन मतलब कि पूरा कराने वाले हैं और कम्प्लीट बुक सोल्यूशन होने वाला है यहाँ पे। हर एग्ज़ाम होगा फतेह और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर एग्ज़ाम मतलब रेलवे एसोसिएशन, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, जो भी आप एग्ज़ाम, स्टेट पुलिस, जो भी आप एग्ज़ाम देने, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं ना, मतलब कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। 9000+ क्वेश्चन हैं, 9000 से बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो, और कॉमेंट सेक्शन में जैन लिख दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। और आपको फटाफट क्या करना है, जैसे ही आपके क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आपको उसका आंसर कहाँ पे कमेंट सेक्शन में पुट कर देना है, ओके। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है। ये पार्ट टू है, पार्ट वन में 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और यहाँ पे भी आपको 10 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ और व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। सो वहाँ पे जरूर आपका जो भी फिजिक्स से रिलेटेड या फिर जॉब रिगार्डिंग अपडेट वगैरह मिलते रहता है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, इसका प्लेलिस्ट अलग मिलेगा, ओके। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया, प्रकाश चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। और ये देखने में बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुतों को ये भी नहीं पता है। तो ऑप्शन ए है रोमर, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी है हाई मेंस। तो फटाफट आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो इसका आंसर प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था, किसने मापा था, तो रोमर ने, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाएगा। अगर हम इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप करते हैं तो आप जरूर इसमें बताइएगा। जैसे कि मान ले कि प्रकाश का वेग कितना होता है मीटर प्रति सेकेंड में, प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकेंड में कितना होता है वो आप नोट करते चलिए। 3×10^8 हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में प्रकाश का चाल होता है, प्रकाश का वेग कहिए, चाल कहिए रेजोनेंट मैटर। और किलोमीटर प्रति घंटा में अगर इसको मापा जाता है तो लगभग ये 108×10^7 ये हो जाता है। उसके बाद अगर इसमें है देखा जाए तो आपको इस आपको बताना किस में है, आप बताइएगा खगोलीय मात्रक प्रति दिन में इसका आंसर कितना होगा, कितना खगोलीय मात्रक प्रति दिन में इसका आंसर मतलब कि प्रकाश का चाल कितना होगा, ये दोनों नोट कर लीजिएगा, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इकाई होती है, किस चीज़ की इकाई होती है, यूनिट होती है, बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया गया है समय की, ऑप्शन बी दिया गया है दूरी की, ऑप्शन सी है यहाँ पे प्रकाश की, ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता की। तो आपका आंसर क्या होगा इसको आपको बताना है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, तो इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, एक प्रकाश वर्ष कितना बराबर होता है, सॉरी जस्ट वेट, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, आपको फटाफट आंसर बताना है, तब तक मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश वर्ष लाइट ईयर की इकाई होती है किस चीज़ की, दूरी की, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। और इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46×10^15 मीटर। 10^15 मीटर आप नोट कर लीजिए, ओके। अगर इसको खगोलीय मात्रक में देखा जाए तो आप जरूर इसको बताइएगा। और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, 150 मिलियन किलोमीटर, ये आप नोट कर लीजिए, 150 मिलियन किलोमीटर, ओके, किसकी, सूर्य से पृथ्वी की बीच की दूरी, ये नोट कीजिए, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, प्लांक नियतांक का मात्रक है। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे जूल, ऑप्शन बी दिया गया है जूल प्रति सेकेंड, और ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे जो आपका है जूल इंटू मीटर, ऑप्शन सी दिए गए जूल सेकेंड। तो 13 का आंसर क्या होगा, फटाफट आपको आंसर बता देना है। तो जो इसका आंसर होगा प्लांक नियतांक का जो आपका मात्रक होगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, ये चार एग्जाम में मतलब कि हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस एग्जाम में तो 100% आता है, कई बार आ चुका है मतलब कि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 दिया गया है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, देखिए चुंबकीय गुण का मात्रक है, ऑप्शन ए दिया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया गया एम्पियर इंटू मीटर, ऑप्शन सी दिया गया वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी दिया गया वेबर प्रति मीटर। तो दोस्तों चुंबकीय गुण का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर गुने मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो चुंबकीय गुण का फॉर्मूला लिख सकते हैं, चुंबकीय गुण इज इक्वल टू होता है ध्रुवीय प्रबलता, नोट कर लीजिए करना चाहते हैं तो ध्रुवीय, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होता है, ध्रुवीय प्रबलता, ये एल है, ल है, मतलब कि ध्रुवीय प्रबलता गुने दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी आप नोट कर लीजिए, दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी आप नोट कीजिए। और ध्रुवीय प्रबलता का मतलब हो जाता है एम्पियर मीटर, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी एम्पियर, और उसका बाद यहाँ पे ध्रुवीय प्रबलता एम हो जाएगा, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी मीटर स्क्वायर, यहाँ पे एम्पियर गुने मीटर स्क्वायर मतलब कि हो जाएगा, ओके ध्रुवीय प्रबलता एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे भी मतलब कि क्रिएट पोस्ट के माध्यम से पोस्ट किया था, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, इसमें से बहुत से बच्चों ने गलती किया, मतलब कि मेरे ख्याल से 90% बच्चों ने गलती किया है उसको। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन ए है क्रिस्टल घड़ी, ऑप्शन बी है यहाँ पे आण्विक घड़ी, ऑप्शन सी है क्वार्टर्स घड़ी, ऑप्शन डी है कमानी घड़ी, ओके। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आण्विक घड़ी, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। वैसे एक सेक बराबर कितना होता है आप फटाफट बता दीजिए, तो एक सेक बराबर कितना होता है, एक सेक बराबर जो आपका होता है कितना होता है आपको बता देना है फटाफट। तो एक सेक इज इक्वल टू होता है 10^-8 सेकेंड, ओके 10^-8 सेकेंड होता है। और अगर एक चंद्रमास बराबर, एक चंद्रमास कितने दिन के बराबर होता है नोट कीजिए आप, एक चंद्रमास कितने दिन के बराबर होता है, तो आपको नोट कर लेना है 27.3 दिन के बराबर होता है आपका एक चंद्रमास। ऑप्शन में मैं आपको बता देता, एक सौर वर्ष बराबर कितना दिवस होता है आपको बताना है, कितने क्या होता है शेड्यूल दिवस होता है मतलब कितना होता है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है, एक फेमटो बराबर होता है कितना होता है, एक फेमटो बराबर, ऑप्शन ए दिया गया है 10^-16 मीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है 10^-15 मीटर, ऑप्शन सी दिया गया है 10^-12 मीटर, ऑप्शन डी दिया गया है 10^-5 मीटर। तो आपको एक फेमटो बराबर होता है कितना होता है आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं एक फेमटो बराबर जो आपका होता है वो होता है 10^-15 मीटर, ओके। तो आपको नोट कर लेना है 10^-15 मीटर आपका होता है एक फेमटो बराबर। आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एक पीको बराबर कितना मीटर होता है, एक पीको बराबर कितना मीटर होता है, तो एक पीको बराबर कितना होता है फटाफट बताइए, एक पीको बराबर होता है 10^-12 मीटर, ये भी नोट कर लीजिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। ये बहुत से बच्चे सोचेंगे कि इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बार एग्जाम में आपके एग्जाम में मतलब कि आ चुका है। ऑप्शन ए दिया गया है मीटर, ऑप्शन बी दिया गया है ऑप्टर, ऑप्शन सी दिया गया है वाट, और ऑप्शन डी दिया गया है डायोप्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत सा इजी क्वेश्चन है बहुतों को, लेकिन पता भी नहीं होगा, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डायोप्टर, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा, ओके। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए, सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार के में निम्नलिखित जो गुण होने चाहिए कौन कौन से होने चाहिए। ऑप्शन ए दिया, मतलब कि ए में दिया गया है मोटा तार, ऑप्शन यहाँ पे दो दिया गया है पतला तार, और तीन दिया गया है निम्न गलनांक मिश्र धातु, ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया गया है सॉरी चार में उच्च गलनांक मिश्र धातु। तो इसमें दो ऑप्शन आपका सही है, मतलब कि अब कौन सा सही है वो आपको बताना है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो फटाफट आपका आंसर हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए वो बता दीजिए आप, इसमें क्या होना चाहिए तो जल्दी से बता दीजिए। तो मैं इसका बता देता हूँ आंसर, आप नोट कर लीजिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो अगर आपके घर में बिजली है तो इतना तो पता ही होगा, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ये एक तो इसमें दो आंसर है, जैसे कि सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में जो निम्नलिखित गुण होने चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। एक तो वो पतला होता है, आप फ्यूज लगाते हैं पता होगा
पतला तार लगाते हैं, और दूसरा जो होता है वो निम्न गलनांक मिश्र धातु होता है। तो यहाँ पे देखिए दो और तीन सही है, तो मतलब कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा, निम्न गलनांक मिश्र धातु और पतला तार आपका होना चाहिए। तो ये आप नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका है यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इसमें से समय का मात्रक नहीं वो आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है अधिवर्ष, ऑप्शन बी दिया गया है अनंत, ऑप्शन सी दिया गया है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों को ये पता ही नहीं है, तो इसका आंसर आपको बताना है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक, मतलब कि मैंने तो आंसर ही बता दिया, मतलब कि इसमें से जो आंसर होगा मैंने आंसर बता दिया है। तो चलिए इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष जो है ना यही एक समय का मात्रक नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ने से इसका आंसर ही बता दिया, प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे। एक लाइट ईयर बराबर, मैंने एक बार पूछा था तो एक बार फिर से आप बता दीजिए एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है। ओके तो चलिए आगे चलते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया है, साप्तिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है। साप्तिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र, ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, NDA, ये मतलब डिफेंस वाले के लिए, तो ये तो रामबाण वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पुटअप करते रहता है वो कई बार आपके एग्जाम में, मतलब ये सारे एग्जाम में आ चुका है, और यहाँ पे बात कर ले तो रेलवे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है। ओके तो यह आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साप्तिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 20 और क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ये दिया गया है, ये पढ़ लीजिए एम इनवर्स एल के पावर 3 टी के पावर 2, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, अगर आप कुछ अलग टाइप से पढ़ते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, ऑप्शन सी दिया है एम के पावर माइनस 2, ऑप्शन डी दिया गया एम के पावर इनवर्स एल के पावर थ्री और टी के पावर माइनस 2। ओके तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट मैं इसको सॉल्व करके ही बता दूंगा, लेकिन इसका आपको फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा, मैं इसको सॉल्व ही करा देता हूँ, बट इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में, तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ उसके बाद इसको सॉल्व करा देता हूँ। ओके चलिए पहले मैं इसको सॉल्व ही करा देता हूँ। साप्तिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र बताना, इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर आप कमेंट सेक्शन में कहिएगा तो मैं फॉर्मूला वाला जो है इसका पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, और फॉर्मूला से ही सब कुछ बनता है। ओके तो मैं इसको चलिए सॉल्व कराते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाता है साप्तिक गुरुत्वीय स्थिरांक का जो होता है, ये फॉर्मूला पहले आप नोट कर लीजिए, जस्ट वेट, एफ इजक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन यहाँ पे होता है आर स्क्वायर, ये आप नोट कीजिए। अब इसके बाद बताना है गुरुत्वीय साप्तिक गुरुत्वीय स्थिरांक का, मतलब कि इसका बताना है, जी का आपको बताना है, तो जी को बताना है तो एफ इंटू इधर चला जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एम वन एम टू ये, और यहाँ पे हो जाएगा जी, इतना आप समझ गए। अब मैं इसको फिर से लिखता हूँ, जी इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। अब इसको सॉल्व कीजिए, एफ का क्या होता है, बल का आपको पता ही होगा, बल का एफ बराबर एम ए से बल का आपको इतना तो पता होगा मेरे ख्याल से, तो ये आप नोट कीजिए एम एल टी के पावर माइनस टू बल का हो जाएगा, और यहाँ पे दूरी का एल स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद बात करें तो M1 का और M2 का, तो दोनों को मिला के अगर बात किया जाए तो M स्क्वायर हो जाएगा, ये मास के लिए एम स्क्वायर। अब एम स्क्वायर से एक M कटेगा, तो यहाँ पे देखिए एक M से एक M ये कट गया, अब नीचे M बच गया, तो ये ऊपर जाएगा M इनवर्स में। ओके ये ML है, M इनवर्स हो जाएगा। अब M इनवर्स देखिए एक ही दो ही में दिखाई दे रहा है, राइट, M इनवर्स एक तो A में और एक तो D में, तो ये वाला तो कट गया, ये तो होगा नहीं। अब M इनवर्स, अब यहाँ पे दिया गया है L और यहाँ पे L स्क्वायर, तो L L 3 हो जाएगा, और L क्यू मतलब इसमें भी है और इसमें भी है, D में भी, और बच गया T के पावर 2 है कि T के पावर माइनस 2 होगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा T के पावर माइनस 2, तो जो कि ऑप्शन आपका D सही हो जाएगा। तो चलिए ये तो मैंने सॉल्व करा दिया, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। ओके चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं, मतलब कि कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 10 के पावर 10, ऑप्शन बी दिया है 10 के पावर 9, ऑप्शन सी दिया है 10 के पावर 8, ऑप्शन डी दिया है 10 के पावर 7। ये क्वेश्चन गारंटी ले रहा हूँ 99% बच्चे जो है नहीं बता पाएंगे, 99% बच्चे,
आप लिख लीजिए ओके। तो कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए कमेंट दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा 10^7 मिलीमीटर से बनते हैं ओके। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 20, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई, अनौपचारिक लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि यहाँ पे आपको लंबाई का कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है पेटामीटर, ऑप्शन बी दिया गया है पार्सेक, ऑप्शन सी दिया गया है प्रकाशवर्ष, ऑप्शन डी दिया गया हबल की लंबाई, हबल लेंथ यहाँ पे आपको। तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट आपको बताना है जल्दी से जल्दी ओके। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो वो आप बता दीजिए। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कई बार इसका आंसर मैंने आपको बता भी दिया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, प्रकाश वर्ष, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। एक प्रकाश वर्ष कई बार पूछ लिया आपने, मैंने पूछ लिया, आप जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, दबाव की एसआई मतलब कि इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है वो आपको बताना है। दबाव क्या ओके, ऑप्शन ए दिया है प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, ऑप्शन बी दिया गया है न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन सी दिया गया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी दिया गया है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। दबाव का आपको फुल फॉर्म पूछते हैं, दबाव का आपका फॉर्मूला बता देना है, आपका आंसर यहाँ से आराम से निकल जाएगा। तो मैं इसका फॉर्मूला पहले इसका आंसर बता देता हूँ जो इसका आंसर होगा, तो जो इसका आंसर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। अब इसको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप निकाल लीजिएगा ओके। तो दबाव का आपका फॉर्मूला होता है, जो ये दाब कहिए दबाव कहिए जो भी कहिए, तो बल बटा क्षेत्रफल, आप नोट कीजिए, बल बटा क्षेत्रफल होता है, और बल का होता है न्यूटन, और यहाँ पे हो जाएगा इसका किसका क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, उसी का बात है वर्ग मीटर यहाँ पे इसको बोलते हैं, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे भी हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर वो भी कहिए, फिर जैसे भी आपको कहना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, निम्न का सही एसआई इकाई के साथ मिलान करें, मतलब एसआई यूनिट दिया गया है इसका मिलान करना है। तो मात्रा यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे एसआई इकाई दिया गया है, तो फटाफट आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा तो आप इजीली इसको कर दीजिएगा। जैसे कि मैं आपको ध्यान मतलब कि खींचना चाहूँगा, यहाँ पे दिए गए पी क्यू आर एस और यहाँ पे रोमन में दिए गए 1 2 3 4, तो सबसे पहले मैं इसको मिलान कर देता हूँ, उसके बाद ही आपको आंसर बताएंगे, मतलब कि आंसर क्या बताना है। आप यहाँ से देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है मतलब कि थोड़ा सा लॉन्ग है, तो पी मतलब यहाँ पे दिया है कोन, कोन का जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका रेडियन। कोन का ऐसा इकाई क्या होता है, रेडियन होता है। ठोस कण का क्या होता है, एस्टेरेडियन। तो ये तो दोनों सामने सामने हैं, तो पी का हो जाएगा 1 और एस का हो जाएगा 4, तो पी का 1 और एस का 4 आपको बताना है। तो पी का 1 यहाँ पे दिया गया है, 1 यहाँ पे, और एस का 4 यहाँ पे दिए गए, तो ये दोनों तो नीचे वाले गए। अब बात कर लेते चुंबकीय इंडक्शन का और चुंबकीय फ्लक्स, तो आर का होता है वेबर, जो कि सामने सामने दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होगा जो कि R का 3 हो जाएगा, तो R का यहाँ पे 3 इसमें दिया गया है और Q का 2, मतलब एकदम सामने सामने जो दिया गया है वही हो जाएगा, P का 1, Q का 2, R का 3, S का 4, जो कि A में ही आपका सही है, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा मैं, 1 वेबर बराबर कितना मैक्सवेल होता है ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार बता दिया मैंने, ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है वोल्ट, और इसका आंसर आपको बता देना है क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए ये 25 क्वेश्चन थे, कैसा लगा आपको, और कल से मतलब कि इसमें चैप्टर 1 में दिए हैं 53 क्वेश्चन, कल इसको कंप्लीट कर देंगे थर्ड पार्ट में। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेडी वीडियो तो है नहीं कि अच्छा नहीं लगेगा, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हर एग्जाम में फिजिक्स आता है, तो फिजिक्स आपके एग्जाम में यहाँ से चिपकेगा ही चिपकेगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सो वहाँ पे जरूर ऐड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।